एंड दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मिसमी टैबलेट के बारे में। दोस्तों मिसमी एक बहुत ही फेमस हो चुकी है टैबलेट, और ये टैबलेट महिलाओं के लिए होती है और महिलाओं के लिए होती है। एंड यहाँ पर आज हम जानेंगे मिसमी टैबलेट को यूज़ करने का सही तरीका एंड इसके कॉम्पोजिशन के बारे में और इसके साइड इफेक्ट के बारे में एंड यहाँ पर पैकेज ब्रांड MRP के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हम किसी भी मेडिसिन को सजेस्ट या एडवर्टाइज नहीं करते हैं। हमारे द्वारा बताई गई सारी जानकारी आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए है। कृपया आप कोई भी टेबलेट को लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर ले। एंड दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा मिसमी टेबलेट के बारे में। दोस्तों मिसमी टेबलेट 18 साल से ऊपर की लड़की या महिला ही इस टेबलेट को ले सकती है। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके कॉम्पोजिशन की तो इसके अंदर आता है टाडाफिल। दोस्तों टाडाफिल इसके अंदर यूज़ किया गया है। एंड यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ यूज़ की तो दोस्तों नपुंसकता एक ऐसी बीमारी है जो महिला एंड पुरुष दोनों में देखी गई है। तो जब महिलाओं में नपुंसकता की बीमारी होती है तो इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है, यानी कि इस टेबलेट को देने के बाद महिलाओं में यौन इच्छा उत्तेजना बढ़ जाती है जिसकी वजह से अच्छे से संभोग क्रिया प्रक्रम होती है। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मिसमी टेबलेट को आप पर डे दिन में एक ही टेबलेट को ले सकते हैं। एंड इस टेबलेट को लेने के बाद आप किसी सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक या फिर किसी हॉट ड्रिंक का आप इस्तेमाल ना करें। एंड दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके साइड इफेक्ट की तो इसके साइड इफेक्ट बहुत सारी औरतों में साइड इफेक्ट इसके देखे गए, जैसे कि हेडेक होना यानी कि सर दर्द होना, नोजिया यानी कि मतली होना, वोमिटिंग होना, डायरिया होना, और कभी कभी किसी महिला में इस टेबलेट को लेने से स्टोमक अपसेट भी देखा गया है। एंड इसके अलावा किसी महिला में इसके एलर्जिक रिएक्शन और बहुत सारे कॉमन रीज़न भी इसके देखे गए हैं। तो इस टेबलेट को लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों ये टेबलेट आपके हेल्थ एंड वेट पर डिपेंडेड करती है और आपकी कंडीशन पर डिपेंड करती है। एंड दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके पैकेज की तो ये एक बॉक्स में सिर्फ एक ही पीस आता है, यानी कि एक ही टेबलेट आती है। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके ब्रांड की तो दोस्तों ये जी लेबोरेटरीज कंपनी का बनाया प्रोडक्ट है। जी लेबोरेटरीज एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो कि मार्केट में होते हैं, और सारे प्रोडक्ट इसके कमाल के होते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी MRP की तो इसकी एक टेबलेट की MRP आपको 60 रुपये मिल जाती है, यानी कि आप इस 60 रुपये में आप इस टेबलेट को खरीद सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आप इस टेबलेट को ज़रूर से ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करे बिना ना खरीदे और ना ही इस टेबलेट का इस्तेमाल करे। तो दोस्तों ये तो था मिसमी टेबलेट के बारे में सब कुछ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो आप आने वाले टाइम में ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिस कर जाओगे। सो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।